राज्य कैबिनेट में बदलेगा से स्मार्ट टू लेन की इजाजत मिलने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसको लेकर के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। सरकार के कैबिनेट में गोला प्रखंड के बरलंगा, नेमरा, पिरगुल, कसमार, खैरा चतर, पश्चिम बंगाल सीमा तक टू लेन सड़क मार्ग मंजूरी की खबर मिलते ही राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा सहित पूरे बरलंगा वासियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और ढोल नगाड़े के साथ झूमकर खुशियां मनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल से धन्यवाद कर दुआ देते दिखे। ये खुशी इसलिए मना रहे हैं कि बरलंगा से कसमार जाने वाले रोड हम लोग का बहुत दिन हम लोग का जो है हेमंत बाबू और गुरुजी के जो सपना था, यहाँ से बरलंगा, बरगा, सुतरपुर और नेमरा के जो लोगों का सपना था रोड बनने का, वो साकार हो गया। इस कारण इसीलिए हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि अब अभी वाला रोड हम लोग को बना दे। वहीं पंचायत के मुखिया ने कहा कि हम लोगों का कई वर्षों से सड़क बनने का सपना था। सड़क नहीं बनने पर 40 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर बोकारो जाना पड़ता था, पर अब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये सपना पूरा हुआ। आज हमारे बरलंगा से कसमार का जो रोड का कैबिनेट में पास हुआ, इसमें हम लोग यहाँ के बरलंगा और ऊपर बरगा पंचायत के ग्रामवासी काफी खुश हैं। बरलंगा से बोकारो जाने के लिए हम लोगों को लगभग 40 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था, और ये रोड बन जाने से हम लोगों को 40 किलोमीटर का दूरी कम पड़ेगा। इसके लिए हमारे दिसम गुरुजी शिबू सोरेन जी का काफी प्रयास रहा। इस सड़क मार्ग के बनने से वर्षों पुराना सपना साकार होगा। जब गांव का ही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो तो गाँव वाले खुशी जाहिर करते हुए दिल से दुआएं भी देंगे। अब अधिकारियों को चाहिए कि इस सड़क मार्ग के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि वर्षों पुराना सपना अब साकार होने में देर ना हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।